नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रिकीडोज पे। ट्रिकीडोज, योर एजुकेशनल पॉड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्लूइड। इसमें हम जानेंगे रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ फ्लूइड के बारे में। चलिए जानते हैं रियोलॉजिकल। व्हाट इज़ द रियोलॉजिकल, व्हाट इज रियोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रियोलॉजिकल होता क्या है। सबसे पहले ये क्या होता है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। मीन्स कि साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे फ्लूइड्स है, ठीक है, तो उनका क्या बिहेवियर है, उनका उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, उनके अपन जो स्टडी करते हैं वो आपका हो गया रियोलॉजी। क्लियर है? अब टाइप्स ऑफ फ्लूइड में हम सबसे पहले बात करते हैं आइडियल फ्लूइड के बारे में कि आइडियल फ्लूइड क्या है। इसकी बेसिक डेफिनेशन है, ए फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड हैविंग नो विस्कोसिटी। दैट मीन्स ऐसे फ्लूइड जो कि इनकम्प्रेसिबल है और हैविंग नो विस्कोसिटी है, इसको हम कह सकते हैं इनविस्किड फ्लूइड। इनविस्किड, ठीक है। अब देखिए, इसको आप थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से रिलेट करते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, वेर टाउ इज शियर स्ट्रेस, म्यू इज डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डी यू अपॉन डी वाई इज वेलोसिटी ग्रेडियंट और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हैविंग नो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जीरो होगी यहाँ पे, म्यू इक्वल टू जीरो। इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, हम यहाँ से क्या देखते हैं कि जब म्यू यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो टाओ भी क्या होगा यहाँ पे, जीरो। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक और टर्म निकल के आएगी कि यहाँ पर जो आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जिनकी शियर स्ट्रेस क्या होती है, जीरो। तो लिख सकते हैं अपन, देयर इज नो शियर स्ट्रेस। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर म्यू जीरो नहीं होता, अगर डी ओ अपॉन डी वाई जीरो होता, उस केस में भी क्या होगा, शियर स्ट्रेस जीरो। क्लियर है यहाँ से? अब यहाँ से मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि ये जो आइडियल फ्लूइड है वो एक्चुअल में इमेजिनरी फ्लूइड होता है, क्योंकि कोई भी फ्लूइड ऐसा नहीं है कि जिसकी विस्कोसिटी जीरो, उसकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है। तो हम कह सकते हैं कि इनविस्किड फ्लो में भी पॉसिबल, बट इनविस्किड फ्लूइड इज नॉट पॉसिबल। ऐसा फ्लो हो सकता है बट ऐसा फ्लूइड हो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? एक तरह से ये इमेजिनरी फ्लूइड है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊँ मैं कि जो आइडियल गैस है वो आइडियल फ्लूइड नहीं है। ठीक है, ऐसा मतलब नहीं कि आइडियल गैस फ्लूइड नहीं है, बट वो आइडियल फ्लूइड नहीं है। इसके बारे में अपन आगे डिटेल में जानेंगे। ठीक है, अपन इसको थोड़ा कर्व से समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने आइडियल फ्लूइड के रियोलॉजिकल बिहेवियर को समझने के लिए एक कर्व प्लॉट किया। वाई एक्सिस पे मैंने लिया शियर स्ट्रेस टाउ और एक्सिस पे लिया मैंने रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्लियर है यहाँ से? तो अभी हमने देखा यहाँ पे कि आइडियल फ्लूइड के केस में जो विस्कोसिटी है वो क्या आपकी, जीरो। ठीक है, और उस सेट में टाउ शियर स्ट्रेस क्या है, जीरो। तो जब इसको मैं कर्व पे प्लॉट करता हूँ तो जो वेरी फर्स्ट लाइन विच इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ मैं, ये जो लाइन होगी आपका, ये क्या शो करिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, शियर स्ट्रेस क्या होगा, टाउ इक्वल टू जीरो। तो ये आपका शो करेगा यहाँ पर आइडियल फ्लूइड। ठीक है, तो हमने यहाँ से कर्व से उसका जो रियोलॉजिकल बिहेवियर है उसको जाना। अब हम मूव करते हैं सेकेंड नंबर फ्लूइड पे। सेकेंड टाइप्स ऑफ फ्लूइड हमारा रियल फ्लूइड।
ए फ्लूड विच पोजेस विस्कोसिटी इज नोन एज रियल फ्लूड. ऑल द फ्लूड्स इज इन एक्चुअल प्रैक्टिस आर रियल फ्लूड. हमने आइडियल फ्लूड में जाना कि वो एक तरह से इमेजनरी फ्लूड है, बट ऐसे फ्लूड जिनकी कोई विस्कोसिटी होती है, ठीक है, वो क्या होंगे, रियल फ्लूड. और रियल में जितने भी फ्लूड अपने एनवायरनमेंट में, वो सारे के सारे क्या है, रियल फ्लूड ही है. ठीक है, अब हम मूव करते हैं थर्ड टाइप्स ऑफ फ्लूड में, न्यूटोनियन फ्लूड के बारे में. न्यूटोनियन फ्लूड, फ्लूड विच ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज नॉन एज न्यूटोनियन फ्लूड. ऐसे फ्लूड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, वो कहलाएंगे आपके न्यूटोनियन फ्लूड. ओके, तो हम जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी का जो लॉ है वो क्या कहता है, शियर स्ट्रेस इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई. तो जो फ्लूड इस लॉ को फॉलो करते हैं, वो कहलाएंगे न्यूटोनियन फ्लूड. इसको थोड़ा अपन डिटेल में जानते हैं. जो शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, या फिर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के. क्लियर है यहाँ से? जब यहाँ से मैं प्रोपोर्शनल को हटाता हूँ तो ये क्या बनेगा, म्यू डी यू अपॉन डी वाई, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. इसको थोड़ा कंपेयर करते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. इसको मैं इससे कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट सी क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है, y एक्सिस पे टाउ, ठीक है, m के यहाँ पे ग्रेडियंट, ये आपका क्या होगा, म्यू, और x एक्सिस पे आप होगा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन. तो इसको हम थोड़ा इसके कर्व से समझते हैं इसको. तो यहाँ से x एक्सिस पे मैंने लिया वेलोसिटी ग्रेडियंट और y एक्सिस पे लिया मैंने शियर स्ट्रेस टाउ, ठीक है. तो इस रिलेशन से अपन देखते हैं कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट. तो यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है यहाँ से कुछ इस तरह से, ठीक है. और जब अपन इस रिलेशन को देखते हैं यहाँ से टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, और इसको जब अपन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो म्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एक स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो इसका जो स्लोप होगा इस लाइन का, वो क्या होगा आपका, म्यू, म्यू इज द स्लोप. तो यहाँ से हम एक नोट देख लेते हैं कि एनवायरनमेंट में जो 70% ऑफ फ्लूड है, 70% जो फ्लूड है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं. कुछ एग्जांपल में ले लेता हूँ, यहाँ पे एयर हो गया, डीजल, वाटर, केरोसिन एक्सेट्रा. क्लियर है? अब हम जानते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूड के बारे में. तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूड वो फ्लूड होते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं कर सकते, नहीं करते हैं. तो हम जैसे लिख सकते हैं यहाँ से, डोंट ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है. और ये एक पावर लॉ को ओबे करते हैं, तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, ओबे पावर लॉ. तो पावर लॉ की इक्वेशन क्या होती है, इसको समझते हैं अपन थोड़ा. पावर लॉ की जो इक्वेशन होती है वो होती है टाओ इक्वल टू एम ड्यू बाई डी वाई होल पावर एन. तो यहाँ से हम समझते हैं कि टर्म क्या क्या है यहाँ से. तो टाओ आपका होगा यहाँ पर शियर स्ट्रेस, अपन पहले भी स्टडी कर चुके हैं, और डी यू अपॉन डी वाई क्या होगा आपका, वेलोसिटी ग्रेडियंट. तो हम जानते हैं एम क्या है और एन क्या है. तो एम आपका यहाँ पर हो जाएगा कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ठीक है, और एन आपको हो जाएगा यहाँ से फ्लो इंडेक्स. अब हम जानते हैं कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या शो करता है, ये एक तरह से बताता है कि फ्लूड का गाढ़ा, अपन की फ्लूड कितना गाढ़ा है, ठीक है. वैसे आप कंसिस्टेंसी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स को सॉइल मैकेनिक्स में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर जो एन है फ्लो इंडेक्स, जो फ्लो इंडेक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग नॉन न्यूटोनियन फ्लूड को अपन क्लासीफाइड कर सकते हैं. कैसे करते हैं अपन, तो देखते हैं हम. इफ एन ग्रेटर देन वन, एन की वैल्यू एक से ज़्यादा हो, उस केस में नॉन न्यूटोनियन फ्लूड को अपन क्या कहेंगे, डायलेटेंट फ्लूड, डायलेटेंट फ्लूड.
क्लियर है। और जब मैं बात करूं इफ एन लेस देन वन, उस केस में क्या होगा, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूड। अब यहाँ देखिए जो डायलेटेंट फ्लूड है इसको अपन सीयर थिकिंग फ्लूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सीयर थिकिंग फ्लूड। दैट मीन्स कि हम किसी फ्लूड के ऊपर जब कोई सीयर फोर्स लगाते हैं, सीयर स्ट्रेस जनरेट करते हैं, उस केस में वो फ्लूड क्या होगा, कंटिन्यू गाढ़ा होता जाएगा, थिक होता जाएगा। उसका अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ तो अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं इसे, जैसे कोई हनी हो गया आपका शहद, ठीक है, या फिर हो गया आपका स्टार्च का सस्पेंशन, इस केस में क्या होता है, जैसे अपन कोई फ्लूड को किसी स्टिक से कंटिन्यू उसको हिला रहे हैं अपन, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, गाढ़ा होता जाएगा, यानी उसकी जो विस्कोसिटी है वो कंटिन्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो लिख सकते हैं आपसे म्यू कंटिन्यू क्या होगा, यहाँ से डिक्रीज होगा। फिर मैं बात करूँ स्यूडो प्लास्टिक फ्लूड के केस में, तो इसको हम सीयर थिनिंग फ्लूड ही बोलते हैं, इसको सीयर थिनिंग फ्लूड। इस केस में क्या होगा, फ्लूड को जब अपन जब हिलाएंगे तो कंटिन्यू क्या होगा, तो थिन होता जाएगा, ठीक है। उस केस में जो विस्कोसिटी है वो क्या होगी, कंटिन्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस टू फ्लो है वो कंटिन्यू इंक्रीज होता जाएगा, सॉरी डिक्रीज होगा, उसमें विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है यहाँ से। इसका मैं एक एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल हो गया मिल्क और अपना जो ह्यूमन का जो होता है ब्लड। क्लियर है। अब हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के रियोलॉजिकल एनालिसिस के बारे में जानते हैं। तो हमने कर्व प्लॉट किया यहाँ पे, वाई एक्सिस पे शियर स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पे आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो हम देखते हैं कि एन लेस देन वन के लिए जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ से एन लेस देन वन, तो आपका कौन सा फ्लूइड होगा, स्यूडो फ्लूइड, स्यूडो प्लास्टिक, ठीक है। वहीं एन ग्रेटर देन वन के लिए ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, एन ग्रेटर देन वन, ये आपको हो जाएगा डायलेटेंट फ्लूइड। क्लियर है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो एन ग्रेटर देन केस के डायलेटेंट के डायलेटेंट फ्लूइड के केस में जिसको हम कह सकते हैं सीयर थिकर फ्लूइड, यानी इस केस में जो आपकी जो विस्कोसिटी है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। वही मैं स्यूडो प्लास्टिक के केस की बात करूँ तो वहाँ पे विस्कोसिटी कंटिन्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर यहाँ से। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे अदर टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।